The best creator in the education category. और इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख. नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं. सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं. आपको नमन. बताइए नमन. पहली बात तो प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए. मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ. जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण. तो उस टाइप की वीडियोज रहती है मेरी. प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है. अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है. तो उसी में मेरी कोशिश रहती है, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल मेरा कॉन्टेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है. तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में, कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है, और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. एक सुझाव मैं देता हूं नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है. भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है, भारत सरकार पैसे भी देते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो, पांचवी छठी सातवीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए. लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूँ, क्या चीज़ें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं. कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जा करके उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को. और दूसरा, मैंने देखा चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है. बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए, और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीज़ें, हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीज़ें करेंगे. जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.